साबरकांठा जिल्लाना प्रांतिजना कथपुर टोल टैक्स ऊपर टोल नहीं भरी रिवॉल्वर बतावी मां बहन सामे घारो बोली जानथी मारी नाखवानी धमकीओ आपनार पोरबंदरनो कार चालक आखरे पोलीसना सकंजामां। પોરબંદરનો કાર ચાલક અને નેશનલ હાઈવે રોડનું કામ કરતી ચેતક કંપનીમાં કોન્ટ્રાક્ટર તરીકે કામ કરતા ભૂતિયા કિશોરભાઈ દેવસીભાઈ પ્રાંતિજ ટોલ ટેક્સ ઉપર ટોલ નહીં ભરી દાદાગીરી કરવી ભારે પડી હતી। પ્રાંતિજ ટોલ ટેક્સ ઉપર રિવોલ્વર બતાવનાર પોરબંદરનો કાર ચાલક પોલીસના સકંજામાં। तो स्टाफ कही टोल नहीं भरता आई कार्ड मांगता आरोपी एकदम उश्केराई जईने तू मने ओळखे छे तेम कही पोतानी पासे रहेल रिवॉल्वर बतावीने फायरिंग करी उड़ावी देवानी धमकीओ आपी हती। पोलीसे कार चालक ने गणतरीना कलाकोमां ज झड़पी पाड़ी तेनी पासेथी रिवॉल्वर जप्त करी। टोल टैक्स ऊपर रहेल टोल कलेक्टर ने धमकीओ आपता नासभाग मची जवा पामी हती। तो बेफाम मां बहन सामी गाळो बोली तू मारू आई कार्ड मांगे छे तू किशोर भाई ने ओळखतो नथी तेम कहीने फायरिंग करवानी धमकीओ आपवानी दादागिरी करवी पोरबंदरना किशोर भाई ने भारे पड़ी हती। आरोपी पासेथी झड़पी पाड़ेल रिवॉल्वर लाइसेंस वाली छे। पोलीसे आरोपी ने कोर्ट समक्ष हाजर कर्यो। समग्र घटना टोल टैक्स ऊपर लागेल सीसीटीवी कैमरा में कैद थई गई हती। प्रांतिज पोलीस स्टेशन में टोल टैक्स ऊपर रहेल टोल कलेक्टर मुजफ्फर खान इम्तियाज खान पठान द्वारा पोलीस फरियाद करता प्रांतिज पोलीसे आईपीसी कलम 504 506(2) तथा आम एक्ट 30 मुजब गुनो नोंधीने पोलीस स्टेशन ना पीआई एचएस त्रिवेदी तथा प्रांतिज पीएसआई वाईबी बारोट कार चालक ने गणतरीना कलाको मां ज तेनी पासे रहेल रिवॉल्वर साथे झड़पी पाड्यो हतो। गई तारीख 4/22 ना रोज रात्रि 12:30 नी वच्चे कथपुर टोल टैक्स खाते हिम्मतनगर तरफ एक क्रेटा गाड़ी अमदावाद तरफ जई रही हती। ए दरमियान टोल बूथ नंबर 3 पर क्रेटा चालक किशोर भाई देवजी भाई भूतियाए टोल टैक्स में जे कलेक्ट छोकरा जे टोल कलेक्ट करवा माटे बैठा होय छे एनी साथे आने कंईक बोलाचाली थईली त्यारबाद एने ગાડીમાંથી બહાર નીકળી એના હાથમાં રિવોલ્વર રાખી અને છોકરાને બીભત્સ ગાળો તેને ધમકીઓ આપેલી। તે અંગે ગઈકાલે ફરિયાદીએ ફરિયાદ નોંધાવતા તેમની ફરિયાદ નોંધી લઈ એ આરોપીને પકડી સાંજે અને આગળની કાયદેસરની કાર્યવાહી હાલમાં ચાલુ છે। બંદૂક કિશોરભાઈ ભૂતિયાની જ છે ને એમને લાયસન્સ વાળી બંદૂક છે જી। અને પૂછપરછ કરી હતી તેની પાસેથી મળી આવેલ રિવોલ્વર લાયસન્સ વાળી નીકળી હતી। પ્રાંતિજ પોલીસ દ્વારા આરોપી ભૂતિયા કિશોરભાઈને બપોર બાદ કોર્ટ સમક્ષ રજૂ કરવામાં આવ્યો હતો। ઉમંગ રાવલ ZS TV પ્રાંતિજ।